आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जनपद का नंबर वन न्यूज एनालिसिस चैनल। डीएम साहब, बहन दिव्यांग है फिर भी राशन कार्ड के लिए 4 माह से दौड़ा रहे हैं अधिकारी। सुनिए जरा, जब एक फरियादी ने कराह भरे शब्दों में लगाई डीएम से गुहार। डीएम साहब, मेरी बहन दिव्यांग है, उसका राशन कार्ड नहीं बना है, बनवाने के लिए तहसील ब्लॉक का चक्कर लगा रहा हूं। डीएसओ के दफ्तर भी गया लेकिन वहां से भी संतुष्टि नहीं मिली। अधिकारी केवल यहां से वहां दौड़ा रहे हैं। महदेवा निवासी विनय मिश्रा की यह फरियाद सुनकर जिलाधिकारी आरेका अकौरी ने गुस्से भरे अंदाज में एसडीएम की ओर देखा और डीएसओ को आवाज लगाई। कहा कि इनके मामले का निस्तारण यथाशीघ्र कराएं, पता करें कि आखिर मामले में इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है। और आई तहसील में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में इस तरह के कई मामले आए जिनके त्वरित निस्तारण के लिए डीएम और एसपी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया। इसी तरह जेठुपुर निवासी शीला देवी ने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि पड़ोस में किसी से विवाद चल रहा था, इसी दौरान ग्राम प्रधान का लड़का आया और मेरे लड़के को मारने पीटने लगा। इसकी सूचना जब थाने लेकर गई तो वहां से बेरंग लौटना पड़ा। मामले की जानकारी होते ही एसपी अनिल कुमार ने सीओ औराई को मामले की वास्तविकता जानने का निर्देश दिया। संबंधित समाधान दिवस में जिलाधिकारी राजस्व के मामलों को लेकर सख्त दिखी। उन्होंने कई मामलों में त्वरित निस्तारण और कई में जांच करके निस्तारण करने का आदेश दिया। तीनों तहसीलों में कुल 205 मामले आए जिसमें 27 मामलों का निस्तारण किया गया। ज्ञानपुर के सदर तहसील में आए 50 मामलों में 3, भदोही तहसील के 76 में से 12 और औराई तहसील में आए 79 मामलों में 12 का निस्तारण मौके पर हुआ। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि दिवस के दौरान जनपद भदोही में ज्यादातर जमीन विवाद से जुड़े मामले आते हैं। मामलों के निस्तारण में सुस्ती बरतने के कारण फरियादियों को ऑफिसों का चक्कर बार बार लगाना पड़ता है जो किसी तरह से जायज नहीं है। यदि लापरवाही बरतने वाले अधिकारी नहीं सुधरे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्रिलोकपुर के सुदामा ने बताया कि धारा 24 की पैमाइश के लिए कई महीने से दौड़ रहा हूं लेकिन आज तक पक्की पैमाइश नहीं हो पाई, लेकिन मुझे परेशान किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने एसडीएम को तुरंत मामले के निस्तारण के लिए निर्देशित किया। गोहिलाओं के राहुल पटेल ने कहा कि मेरी भूमधरी जमीन है जिसमें कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से रास्ता निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक मैं 20 बार प्रार्थना पत्र दे चुका हूं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गोहिलाओं के ही दीपचंद पटेल ने बताया कि मेरी भूमिधरी जमीन है, जब मैं निर्माण कर रहा था तो कुछ लोग ऐतराज करने लगे और पुलिस को सूचना दी। हैरानी की बात तो देखिए, मैं अपनी जमीन पर निर्माण कर रहा था फिर भी मौके पर पहुंची पुलिस रुकावट डालने वालों को छोड़कर मुझे ही उठा ले गई और मेरा चालान कर दिया। इस मामले में डीएम ने सोमवार तक निस्तारण के लिए एसडीएम को कहा। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ विकास मिश्रा की रिपोर्ट। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।